हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पिक्सल बिल्डर। बस मैंने माइनक्राफ्ट ऐसे डाउनलोड नहीं करी, तो मैं आपको खेलूंगा नहीं, मैं घर दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मेरा, मैं आपको अंदर का घर दिखा देता हूँ। रुको ये, रुकिए, आपको दिखा देता हूँ। ये तो है किचन। ओके गाइस, ये किचन है, ये तो प्राइवेट रूम है। और ये है, ये किचन है, मतलब हाँ किचन ही है। बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये खाना बनाने का ये सब सामान रख दिया है मैंने। और ये पानी की ज़रूरत होगी ना तो लगा दिया। और ये हाथ वाथ धोने के लिए, बर्तन वर्तन धोने के लिए इधर भी पानी रख दिया, ज़रूरत होगी तो ले लो। और ये तो सोफ़ा यूँ ही बना दिया मैंने। तो और ये है हमारा टॉयलेट। ओके गाइस, ये टॉयलेट है। वैसे बताना आप कि कैसा टॉयलेट लगा। वैसे मैंने मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने बना लिया। ये तो है बाटा के नहा, ठीक है गाइस। और मुझको तो जैसा मुझे सही लगा ना, मैंने बाट वैसे टॉयलेट बना दिया। आप बताना गाइस आपको कैसा लगा। ये देखो, इसको जो कवर ऊपर करते हैं उसको हटाओ, ये प्लस करने के लिए, ठीक है गाइस। आपको जैसा अच्छा अच्छा लगा तो अच्छा है, तो कमेंट में बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। और ये है हमारा रूम। वैसे मैंने ये अच्छा है, यूँ ही मैंने मस्ती वाला रूम बना दिया। जिसको भी मस्ती करना है कर लो। मतलब खिलौने तो नहीं है, खिलौने बोल रहा हूँ मैं, खिलौना तो नहीं है, क्यों वो स्लाइम लाइम है ना, खेलो। और ये है कि बो, मतलब बो मारने का वो तीरबाज, ये बो है ना, उसको शायद बो बोलते हैं माइनक्राफ्ट में, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सोफ़ा, उधर से बैठ के देखो टीवी। टीवी मैंने वैसे आधा बनाया है, वो बाहर का और भी चीज़ बनाने थे ना मुझे, इसलिए मैं बनाना भूल गया। इधर चेस्ट चेस्ट लगा रखी, पता नहीं मैंने बाहर क्यों लगाई थी। और अच्छा, स्टोर रूम का इसलिए लगाई थी, ये तो स्टोर रूम है, उसमें सामान तो नहीं लगाया था, स्टोर रूम है। और ये है, ये पेट रूम है मेरा, मतलब मेरा वो है, मेरे तो इसका पेट रूम है। ये देखिए बस टी वी, मैंने हर जगह से ज़्यादा से ना टी वी से लगाई। तो क्या मैं आपको ना एक चैलेंज देता हूँ, आप ना कितने रूम है ना पूरे मेरे पूरे घर में, टॉयलेट से लेकर किचन सारे रूम्स ना आप मुझे बताना, ठीक है गाइस। देखते कौन सही बताता है, ठीक है गाइस। पेट हर हर एक रूम का, वो सोफ़ा वोफा उनको छोड़ दो, सारे रूम्स बताना, ठीक है गाइस। कितने रूम्स हैं मेरे, एक एक रूम, ठीक है बताना। ये तो है ऊपर का, यूं ऊपर का रूम है। वैसे इसमें कुछ खास नहीं बताया, बनाया तो है नहीं मैंने। तो रुको गाइस, आपको बाहर का रूम भी दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। गाइस अच्छे से देखना, हर एक रूम अच्छे से, हर एक रूम देखना, मैं आपको बताऊंगा कि कितने रूम है, मतलब मैं बताऊंगा बोल रहा, आप बताना मुझको कितने रूम है, देखते कौन फर्क पड़ता है। वैसे रात हो गई, सो जाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। तो हाँ हो गया, सुबह होगी। और ये है गाइस पेंटिंग रूम, वैसे पेंटिंग मेरे मेरे दोस्त है ना अगम, उसका आपको शायद पता नहीं होगा, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मनराज सिंह ओपी वीडियो, ऐसे आप मनराज सिंह सर्च मार लेना आ जाएगा, उसको भी कैसे सब्सक्राइब कर देना। वो वैसे यूँ ही वीडियो बनाता रहता है। ये पेंटिंग रूम गाइस, ये मतलब मैंने वो अलग बात है कि मैंने स्टैंड करके पेंटिंग वो जो होता है ना वो नहीं बनाया मैंने, जैसे वेटो पेंटिंग बना वो नहीं बना। और ये बालकनी नहीं बना उसका। और ये गर्ल्स गेस्ट रूम, वैसे अंदर से दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, बाहर ही कांच लगा दिखा देता हूँ, अंदर जाके बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। तो ये देखेगा इस टी वी भी पेंटिंग वेंटिंग लगा दिया। ये छत है इसका ऊपर का। तो गाइस ये है हमारा हेलोवीन रूम। तो गाइस हेलोवीन रूम मतलब घोस्ट रूम है, वैसे मैं इसको हेलोवीन रूम बोलता हूँ, यह है घोस्ट रूम। मेरे वो अगम ने बोला था कि बना ले, मतलब अपने दुश्मनों की ना सर कटा हुआ ऐसा लगा, इसलिए बोल रहा था। देखो ये बोल रहा था कि हड्डी वो बहुत सालों से पड़ा हुआ था इसलिए हड्डी हो गया, इसमें जहर लग गया, कुछ भी बोल रहा था, ये काला हो गया ऐसा कुछ भी बोल रहा था। बना दिया। और इसने बोला कि बीच में से मन बना लो, तो मैंने बना लिया। तो बना गया, ये घोस्ट रूम बन चुका है वैसे, इसलिए बोला था। और ये है भाई गाइस सुनो, करो करो, ये है ऊपर का, ये डीजे वाला बना दिया मैंने, डीजे वाले बाबू यही बना दिया, पता नहीं मुझे क्या समझ में आया मैंने बना दिया। तो गाइस ये है अंदर का, जो नौकर होता है ना उनके लिए बना दिया। ये तो सोफा होता है। और ये है गाइस टॉयलेट। आप बताना टॉयलेट भी आपको अच्छा लगे कि नहीं, कमेंट में बता दूँ। गाइस तो बिल्कुल सेम ही बनाया मैंने, दोनों के दोनों दोनों में टॉयलेट ही है। और गाइस ये देखिए, ये है बाथरूम, तो बाथटब है वैसे, बाथटब है। और ये तो है भाई गाइस किचन। ओके
और उनको आपको दिखाता हूँ बाहर का भी नज़ारा। और गाइस ये सोच रहे हो कि आपके ये क्या है, ये पार्क है, ये पार्क। हाँ मेरे वही अगम नहीं बोला था कि बना ले पार्क अच्छा रहेगा, मैं भी सोच रहा था बना लूंगा। उसके बाद एक गराज, उसने बोला गराज बना ले, पर मैंने सोचा कि उसको वो बोल रही थी कि लैम्बोर्गिनी ऐसे कार बना ले, मुझको वो अच्छी नहीं लगती लैम्बोर्गिनी। तो ये मॉन्स्टर ट्रक आपको पता होगा सर, मॉन्स्टर ट्रक के मुझे ऐसे बड़े बड़े अगर टायर हो तो वो मुझे अच्छे लगते, मुझे जीप तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, इसलिए मैंने मैं जैसे सपने में सोचता था ना वैसे ही बनाया। कम से कम 30-25 लोग रह सकते हैं, ये 2-3-4 ऐसे गिनने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे लोग रह सकते हैं। और बाइक तो मेरे पास बहुत सारे, ये देखो एक लाल कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ये ग्रीन कलर की, एक आयरन की, एक डायमंड की, एक ग्लो गोल्ड की और एक ब्लैक की। वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड और डायमंड ये सब है ना मुझे नाम पता है, और ये जो ब्लैक ब्लू ऐसा बोला ना मैंने उनके ना मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैंने रंग से बोल दिया। और गाइस ये है मंदिर, मैंने मंदिर बनाया, मैंने सोचा मंदिर बना लेते हैं। वैसे स्लाइम कैसे लग रहा है, रहने दो लगने का, अच्छा लग रहा है। और ऊपर ऊपर मैंने आग लगा दी। ये है हमारा मंदिर और ये हमारे भगवान, ये हमारे शिव भगवान है, मैंने कुछ भी सोच के बोला बनाया इसे। और ये इनके हथियार, ये चाकू वाकू, इनको मतलब लड़ना होगा तो ऐसा। और आगे भी दिखाता हूँ गाइस आपको, और गाइस और ये है मैंने बकरे, मतलब बकरे बोल रहा हूँ, इधर गाय है, मतलब गाय बोल रहा हूँ, गाय गाय, इधर गाय रहते थे, पता नहीं कहाँ गए, मतलब मर गए होंगे वैसे तो। और इधर बकरियों को रखाया था, सिप को रखा था मैंने, और उल्टा बोल रहा हूँ गाइस माफ करना। और ये तो यूं ही बकेट्स मैंने रख दी थी। और ये तो स्विमिंग पूल है वैसे, मैंने यूं ही चला था। और ये हमारा TNT रूम, हर जगह TNT पड़े हुए हैं। हमने हथियारों का रूम भी बनाया एक, मैंने उसे नीचे वाले ऊपर वाले, ऊपर वाला दूसरा घर है ना वो वाला आपको बाद में दिखाऊंगा इसलिए। और गाइस लास्ट में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, वैसे आपको तो ये चीज़ दिख गई होगी, आप बोलोगे कि ये जिम है, सही पर ना देखो नाम रखे रखे मैंने रुद्र जिम लिखा हुआ। आपको बताना इसके टूल्स कैसे लगे। और ये हमेशा क्रीपर, पता नहीं क्रीपर को क्यों नहीं मारते यार, ये तो है वो जो होता नहीं बॉडी बनाने के लिए जो ऊपर नीचे करते हैं। और ये तो सबसे बड़ा डंबल है, और ये 3-4 डंबल बड़े हैं। और ये यहाँ पे है एक सिक्योरिटी गार्ड, ये वैसे सिक्योरिटी गार्ड बाहर है, ये इसको अगर कुछ चाहिए होगा तो लेने के लिए पैसे बताएगा। और ये जो होता नहीं है पैरों को अच्छा बनाने, और ये बॉक्सिंग है, ये हमारे पार्क में है ना उधर ये सब टूल्स पड़े होते हैं इसलिए मैंने बना लिए। और ये तो है वो ट्रेनिंग मशीन, वो पता नहीं क्या हो रहा है ट्रेनिंग मिल रही है अलग मशीन, वो होता है ना भागने का वो। और ये भी डंबल्स हैं, ये तो सोने सोकर ऐसे वो डंबल उठाने। और आपको ऊपर का तो बाद में दिखाऊंगा, बस शायद आपको पता होगा सावली मोड़ क्या होते होंगे, उसका रूम है, मतलब रूम नहीं है सब ट्रेनिंग की जगह है, ओके आपको बताऊंगा। पहले बहुत अच्छी लगती है, रुको गाइस आपको ऊपर का भी दिखा देता हूँ। ये उधर रास्ता और उधर भी एक रास्ता है जहाँ पे मैंने दिखा, आपने देखा होगा सीढ़ी होगी, लेकिन ऊपर ऊपर की जगह हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऊपर का रूम देखो, बताना अच्छा है। ये तो रूम है नहीं बाथरूम है, इतने सारे रूम है पता ही नहीं चलता वो भी सेम। ये देखो ये जो ऊपर वाला रूम था ना उसके ऊपर ही बनाना है, ऊपर ही बना देता हूँ साइड में चार बना, ये भी बिल्कुल सेम ही है। और इधर कुछ खास नहीं है, ये सोफा वोफा। और इधर मैंने आग लगा दी है, ये किचन है, और ये है वेपन्स, ये है वेपन्स रूम, सारे वेपन्स हैं इंचांटेड बैन वाले। और आपको सीक्रेट चीज दिखानी थी, यहाँ ऊपर का तो दिखा लो। और ये है ऊपर छत पे भी दो रूम बनाए हैं, ये भी बना दी थी दादा रूम, और वहाँ पे भी वो आग, ये इतना अच्छा तो नहीं लगा मुझे। और ये दूसरा रूम है, ये भी सेम ही है, सोफा बैठो टीवी देखो, आग लगी हुई किचन है, और साइड वाला टॉयलेट है सेम ही है, इसलिए दिखा दिया। और ये सबसे ऊपर से
मान लीजिए। और वो जो वो है वो दिख रहा है ना उधर, वो बताऊंगा क्या है। इधर से छलांग मारो, और ये दिखाता हूँ आपको ऊपर का क्या है। बस ये है ये है ट्रेनिंग का, देखो सब लगाओ। और ये वाला ट्रेनिंग वाला हार्ड होता है ना, गिर गया पानी ऐसे कूद कूद के जाने का अलग है। और ये तो होता है ना, वो होता नहीं ऐसे कूद के जाओ फिर कूद के जाओ फिर कूद के जाओ ऐसे। और ये है स्ट्रेच करने का, पैर पैर को स्ट्रेच करना, पता नहीं ग्लो गोल पता कहाँ गया सारी। और ये है बॉक्सिंग, ऐसे सर से सर सर के मारने का वो है, ये बॉक्सिंग है। और ये कूद के जाने का होता है नहीं वो, ये ऐसे कूद के जाओगे कूद के जाओ। और ये है हमारे सर मजबूत करने के लिए, ये ऐसे नीचे कट के जो सर मारते हैं ना वैसे। और ये होता है, आप सोच रहे हो कि क्या है, ये लोहे की बोरी है, ऐसा करके ऐसे मारो हाथ मजबूत हो। वो बनाया है मैंने, सुना ना यूट्यूब से देख कर बनाया, मतलब चीज़ें तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है, यूट्यूब से देखा था कि किस किस चीज़ से शाओलिन मॉन्क ट्रेनिंग करते हैं, वो सब देखा और बनाया। और मैंने शॉप भी बनाया, मैंने सोचा शॉप भी बना लेता हूँ। चलो ये तो है खेती का, खेती का यहाँ पे हर जगह हर तरह के वेजिटेबल्स होंगे, बहुत सारा गोल्डन स्टोन कर दिया सैन तीन चार ही होंगे ये हर जगह। मैंने हर जगह वैसे भरे तो नहीं है, देखो भरे देखो थोड़े बहुत ही रखे हैं वैसे भरे। और ये ऊपर सीढ़ी है ऊपर सामान रखने के लिए, देखो आ गया सामान। वैसे मैंने कोई सेट नहीं करा, बस यूँ ही रखा हुआ है। और रखूँगा एक एक करके डालो, ऐसे टाइम लगता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने करा नहीं। और ये है दूसरा, बस ने एक से दूसरा टनल ऐसे बना दिया। और ये है गाइस दूध का शायद है, हाँ दूध दूध वाला है ये। अरे अरे कमाल है, क्या है ये है दूध वाला। इधर गाय होंगी देखना, गाय और को आपको खेत तो दिखाई नहीं है। और हम खेत से आ गए, मैंने बहुत पहले खेत में सभी सारी वेजिटेबल्स निकल भी गई हैं, वाह अभी तक निकली ही नहीं। ये देखो ये वाली सीड की है, ये वाली सीड की है, और ये वाली सीड की, इसने हर जगह लगा दी कभी कंफ्यूजन नहीं वैसे कभी तक तब तक हुआ ही नहीं। अभी तक फिर से रात हो रही है, इतनी जल्दी तो होती भी नहीं है, और इतनी जल्दी गेम हो रही है। और ये है गाइस लोहा, हथियारों को तैयार करने वाला, अपने आप को पता ही होगा। देखो ये इसके ऊपर रखे जो हथौड़ा मारते हैं ना ये, और ये आग के अंदर डाल के बनाते हैं ना वो। और ये है एक रूम बनाया सीक्रेट रूम जैसा, सीक्रेट तो नहीं, इधर हजारे हथियार हैं, कोई चाहिए तो लेकर बनाओ। अच्छा है वैसे, वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने इतना मुझको इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पूरा भरा होता है ना, एक खराब है तो दूसरा नहीं खा लो। चलो गाइस आपको दूसरा दिखा करो, उससे पहले ना सो जाते हैं बेड में, इतना सो जाते ताकि रात हो जाए कम से कम छः दिखेगा। वैसे नाइट पोजन तो पीऊँगा नहीं, अगर बोलता रहता था नाइट पोजन पी ले दिखेगा, इससे अच्छा तो सो ही जाओ कम से कम थोड़ी देर तक, सुबह तो होगी। आपको दिखा देता हूँ आपको, और आप बोल रहे हो कि ये क्या है, ये मेरा बिल्डिंग है, यूँ ही बना दिया था मैंने, ये तो जू है यूँ ही बना दिया मैंने, वैसे बार बार बस यूँ ही बोल रहा हूँ। ये बिल्डिंग है, मैंने सोचा एक बिल्डिंग भी बना लेता हूँ। वैसे आप बताना गाइस आपको ये बिल्डिंग कैसा लगा, ठीक है, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझको भी इतना अच्छा नहीं लगा था नहीं बनाया था। और इधर भी जैसे जैसे जिम में लगाया था ना मैंने, वो चुरा ना ले इसलिए। और ये अंदर अंदर का देखो, देखो ऊपर का देखो जरा, अंदर से इधर तक है पूरा। और अगर इधर से नीचे देखो तो देखो उसको इस तरह फेंके नहीं हो रहा, देखो बहुत ऊंचा है वैसे।